Good morning, dear students. In previous video, we proved that if mod of z is less than 1 and mod of z upon 1 minus z is less than 1, then we proved that first part 2f1 alpha beta gamma z equals to 1 minus z raised to the power minus alpha twice f1. इसमें आपको बताया था जैसे इसकी पावर माइनस अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा को तो एज इट इज रखोगे, ये गामा माइनस बीटा, गामा एज इट इज सेम रहेगा और यहाँ z अपॉन z माइनस 1, ये रिजल्ट प्रूव किया था, ठीक है। कैसे इस टर्म की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी ये आप लोगों को प्रूव करना क्लास में डिस्कस हो गया था। इसमें क्या किया था, राइट हैंड साइड लेकर चले थे और इसके अकॉर्डिंग इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया था। और इसमें मेन मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि इसमें ये हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन वाले जो फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो इसमें कौन सा रिजल्ट यूज किया था, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, कि गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लेते हुए और उसको प्रूव किया था। नेक्स्ट इन बी पार्ट वी प्रूव दैट ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा जेड इक्वल्स टू 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस बीटा ट्वाइस f1 गामा माइनस अल्फा बीटा। अब इसकी पावर यहाँ पर क्या है, माइनस बीटा है, माइनस बीटा है मीन्स बीटा वाली टर्म को एच एट इच रखोगे, ओके। और ये टर्म किस में चेंज होगी, गामा माइनस अल्फा में, पावर अल्फा है तो अल्फा को तो एच एट इच रखोगे और ये गामा माइनस बीटा, गामा सेम जेड अपॉन जेड माइनस 1, ये भी इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। And in part C, we prove that twice F1 alpha beta gamma, change करो इसको beta कर दो और इसको gamma की form में लो, alpha beta gamma z equals to third part, very very important है पार्ट, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस में, रिजल्ट्स को सीधे यूज करते हुए और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट सी में क्या प्रूव करेंगे, 1 माइनस जेड रेज टू द पावर गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसमें गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में होगा तो इसमें क्या क्या चेंज होंगे, ट्वाइस f1 गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा और जेड, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये। फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया था, नेक्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट प्रूव करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकंड पार्ट को यू प्रूव करेंगे और थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। फर्स्ट वी टेक राइट हैंड साइड लेते हुए इसको सॉल्व करोगे सेम फर्स्ट पार्ट की तरह, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी यूज करोगे ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा जेड इक्वल टू ट्वाइस f1 बीटा अल्फा गामा जेड, इफ वी इंटरचेंज द पैरामीटर्स अल्फा एंड बीटा इन कॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन देन द वैल्यू आर सेम, ठीक है। प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी का यूज किया है इसमें, ट्वाइस f1 अल्फा बीटा गामा जेड इक्वल टू ट्वाइस f1 बीटा अल्फा गामा जेड, अल्फा और बीटा को यदि इंटरचेंज करते हो इसमें देन द वैल्यू आर सेम फॉर हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, ओके। ये प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर चुके, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू समेशन फॉर्म में लोगे
या ये कहो कि समेशन फॉर्म में लेते हुए उसको एक्सपेंड करोगे, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एल्फा एन बीटा एन अपॉन फैक्टोरियल एन गामा एन जेड रेस टू द पावर एन। तो इसको समेशन एन इक्वल टू जीरो पुट करो, प्लस एन इक्वल टू वन, प्लस एन इक्वल टू टू, प्लस एंड सो ऑन। और उस टर्म में सीरीज फॉर्म में इसका जो वैल्यू है उसमें अल्फा और बीटा को इंटरचेंज करोगे तो ये दोनों टर्म जो हैं वो सेम आएंगी। फिर भी क्लियर नहीं हो तो जो भी स्टेप क्लियर नहीं हो इजीली आप पूछ सकते हैं कि मैम इस चीज़ को इस एक्सप्लेन कर दीजिए, ये हमारा क्लियर नहीं है या ये ऐसा क्यों है। सभी स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी और किस में यूज हुआ था? एक क्वेश्चन दिया था सॉल्यूशन के लिए स्टार्टिंग में, जीरो टू पाई बाई टू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू, ये प्रूव करना था। तो इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद में ये जो वैल्यू आती है वो पाई बाई टू ट्वाइस एफ वन माइनस हाफ हाफ आता है यहाँ पे। तो आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि मैम इसमें ये वैल्यू जो है वो साइन में चेंज आ रहा है, बाकी किसी ने नहीं पूछा। तो या तो आप लोगों ने सॉल्यूशन किया नहीं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम पूछते कि मैम ये क्या, इसमें कैसे ये वैल्यू चेंज आ रही हैं जबकि जो प्रूव करना है उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और इसमें ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी इसी प्रॉपर्टी का यूज किया है, ट्वाइस एफ वन एल्फा बीटा गामा एक्स इक्वल टू ट्वाइस एफ वन बीटा एल्फा गामा एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ये हाफ हो जाएगा और बीटा की वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ करेक्ट है, यही टर्म्स आएंगी बट इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको आंसर की फॉर्म में चेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में पुट कर दी, ठीक है। इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट जो है वो सभी को अब लर्न हो गया होगा कि इसको गामा फंक्शन ऑफ गामा, गामा फंक्शन ऑफ बीटा, गामा फंक्शन ऑफ गामा माइनस बीटा, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन टी रेस टू द पावर बीटा माइनस वन, वन माइनस टी रेस टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस एल्फा इंटू डी टी। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ये हो गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था फर्स्ट पार्ट में, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये वन माइनस जेड हो जाएगा, तो वन माइनस जेड की पावर माइनस बीटा एलसीएम लोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो इस टर्म में और नेक्स्ट सॉल्व करो, ठीक है। सिंपल सॉल्यूशन किया, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, और एलसीएम ले लिया, ये स्टेप हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। इसमें से माइनस जेड कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म्स में से माइनस जेड कॉमन लोगे तो ये वन माइनस टी हो गया, पावर एच इट इज, ये दोनों टर्म एच इट इज, ये टर्म एच इट इज, ओके। नेक्स्ट पुट करोगे वन माइनस टी इक्वल टू यू, वन माइनस टी इक्वल टू यू देन डी टी इक्वल टू माइनस डी यू, ठीक है। यहाँ से टी फाइंड आउट कर लो, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस यू। लिमिट्स देखो, टी की लिमिट्स जीरो टू वन है तो टी टेंस टू जीरो देन यू टेंस टू वन, टी टेंस टू वन तो वन पुट करोगे टी की स्पेस पे, वन माइनस वन जीरो, तो टी टेंस टू वन देन यू टेंस टू जीरो, ओके। पुट करो वन माइनस टी के स्पेस पर तो यू पुट करोगे, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी वन टू जीरो में और टी की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करोगे, वन माइनस यू, और डी टी इक्वल टू माइनस डी यू पुट कर दो और सॉल्व कर लो इसको। एक देखो मिस्टेक क्या हो रही है इसमें, ये तो रिजल्ट था अपना इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स हैं वो एच एट इज यहाँ शो कर दिया मैंने, ये क्या आएंगी यहाँ पर, गामा माइनस एल्फा और एल्फा, ये है अपना लेफ्ट हैंड वो राइट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड ये है, तो इसमें गामा माइनस एल्फा गामा एल्फा, तो ये बीटा को चेंज करो यहाँ पे, गामा एल्फा और ये गामा माइनस एल्फा, ठीक है। दोनों स्टेप्स में चेंज करो, ये गामा अल्फा और गामा माइनस अल्फा। ये तो जनरल रिजल्ट है, जनरल रिजल्ट में तो अल्फा बीटा
ये फॉर्म में था जर्नल जो रिजल्ट था अपना, बाकी अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जो है वो ये था। ठीक है, तो इसमें तो सबको क्लियर है ये तो। ठीक है, सभी वैल्यूज पुट कर दोगे, डी टी इक्वल टू माइनस डी यू है ये। ठीक है, लिमिट्स 1 to 0 हैं, 0 to 1 में चेंज करोगे नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव साइन इससे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, और ये टर्म ये हो गया अपना, ये सभी एज इट इज। यू रेस टू द पावर अल्फा माइनस वन, 1 माइनस यू रेस टू द पावर गामा माइनस अल्फा माइनस वन, 1 माइनस जेड यू रेस टू द पावर माइनस बीटा और डी यू। ठीक है, तो जर्नल जो रिजल्ट है उसमें टी वेरिएबल था और यहाँ पर स्मॉल यू की फॉर्म में आ रहा है। अब ये कंपेयर कर लो इसको जनरल रिजल्ट से, क्या क्या चेंजेज हैं। तो उसमें बीटा के स्पेस पे यहाँ पर अल्फा आ रहा है, विच इज़ द इंट्रीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्वाइस एफ वन बीटा अल्फा गामा जेड। जेड आएगा यहाँ पे, ठीक है, टी के स्पेस पे यू है, जैसे 1 माइनस एक्स टी, तो एक्स के स्पेस पे क्या हो गया जेड है और टी के स्पेस पे यू है, डी टी, जैसे डी टी होता है। तो यहाँ पर यू को चेंज भी कर सकते हो टी में, जैसे इसमें का कन्फ्यूजन हो रहा हो तो इसको टी की फॉर्म में ले लो, टी रेस टू द पावर अल्फा माइनस वन, 1 माइनस टी रेस टू द पावर गामा माइनस अल्फा माइनस वन, 1 माइनस जेड टी रेस टू द पावर माइनस बीटा डी टी। ठीक है, लिमिट्स एज इट इज रहेंगी। इफ़ वी चेंज स्मॉल यू टू टी देन लिमिट्स आर सेम। ठीक है, और करके देख लेना इसको, स्मॉल यू को स्मॉल टी से चेंज कर लेना, तो स्मॉल यू को स्मॉल टी में चेंज करोगे तो डी यू डी टी में चेंज हो जाएगा, लिमिट्स एज इट इज रहेंगी। तो ये अपना जर्नल जो फॉर्मूला है उसी फॉर्म में आ जाएगा। इसको एक्सपेंड करके देख लो, इसका इंट्रीगल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या होगा, गामा फंक्शन ऑफ गामा, बीटा की जगह अल्फा है तो अल्फा, गामा माइनस बीटा होता है तो गामा माइनस अल्फा, टी रेस टू द पावर अल्फा माइनस वन, 1 माइनस टी रेस टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस वन होता है तो गामा माइनस अल्फा माइनस वन, और 1 माइनस एक्स टी रेस टू द पावर माइनस अल्फा होता है वहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस बीटा आएगा। ठीक है, कंपेयर कर लो जनरल जो रिजल्ट है उससे, कंपेयर कर लो उसको देखते हुए, और फिर कंपेयर कर लो क्या क्या चेंजेज है, तो उसके अकॉर्डिंग इजीली बता दोगे कि ये विच इज़ द इंट्रीगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। ओके, इक्वल्स टू ट्वाइस एफ वन अल्फा बीटा गामा जेड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये इसका 2 हो जाता है। देखो नेक्स्ट सी पार्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इस सी पार्ट को प्रूव करने के लिए पार्ट ए को लिंक, सबसे फर्स्ट पार्ट ए को लेते हुए और फिर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ये पार्ट ए में ये प्रूव किया था। ठीक है, ये था अल्फा गामा माइनस बीटा गामा, और ये जेड अपॉन जेड माइनस वन है। ठीक है, अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दो, ये गामा माइनस बीटा अल्फा गामा एच इट इज जेड अपॉन जेड माइनस वन एच इट इज। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम होंगी, इफ़ यू इंटरचेंज द पैरामीटर अल्फा एंड बीटा देन बोथ ऑफ द वैल्यूज आर सेम। ओके, अब यहाँ पर क्या करोगे, 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस अल्फा को तो एच इट इज रखो, और ये जो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म है यहाँ पर, इसमें पार्ट ए को अप्लाई करोगे। क्या करोगे, इसमें पार्ट ए को अप्लाई करोगे, तो ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा गामा एच इट इज है, और ये समझने के लिए इस तरह से ले लो कि अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, और जेड की वैल्यू ये है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट का रिजल्ट है, इसमें अल्फा के स्पेस, जेड के स्पेस पे, तो ये अल्फा के स्पेस पे क्या पुट करोगे, गामा माइनस बीटा, बीटा जहाँ भी है वहाँ अल्फा पुट करोगे। ठीक है, गामा एज इट इज रहेगा, और जेड यहाँ और यहाँ, जेड किससे चेंज होगा, भाई यहाँ तो सिंपल जेड था। ठीक है, तब जेड अपॉन जेड माइनस वन होता है, क्यों,
अब यहाँ पर अपने पास जेड अपॉन जेड माइनस वन है, मीन्स जेड के स्पेस पे ये है, तो जेड जहाँ भी है वहाँ क्या पुट करोगे, जेड अपॉन जेड माइनस वन, तो यहाँ भी जेड अपॉन जेड माइनस वन और यहाँ भी जेड अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है। तो इसमें पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट को यूज करोगे तो ये टर्म आ जाएगा पूरा अपना, ठीक है। सिंपल इसको अल्फा ले लो, बीटा गामा और जेड, तो इसमें चेंज कर दो, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे फर्स्ट पार्ट ए रिजल्ट को यूज किया, उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ये हो जाएगी पार्ट ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। अल्फा बीटा को इंटरचेंज किया और यहाँ पर वापस से इसको यूज किया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एलसीएम ले लो, एक तो माइनस कॉमन ले लो पहले, तो ये वन माइनस जेड हो जाएगा, वन माइनस जेड वन माइनस जेड, तो माइनस कॉमन ले लो और फिर एलसीएम ले लो, इजीली सॉल्व कर लोगे। और ये गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फा, गामा, और इसमें इसमें एलसीएम ले लो, तो ये जेड माइनस जेड प्लस वन, तो जेड कैंसिल हो जाएगा और वन अपॉन जेड माइनस वन, ठीक है, जेड माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ओनली जेड बचेगा, तो सॉल्यूशन है ये, कर लोगे सभी। अब यहाँ पर ये है वन अपॉन वन माइनस जेड रेस टू द पावर बीटा माइनस गामा, तो वन माइनस जेड की पावर क्या हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। जैसे वन अपॉन जेड की पावर वन है तो इसको जेड इनवर्स लिख सकते हो, तो इसी तरह से वन अपॉन वन माइनस जेड है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये जो इसके साइन चेंज हो जाएंगे गामा माइनस बीटा, ये चेंज कर दो अल्फा और बीटा को, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को एक साथ कर लो, वन माइनस जेड रेज टू द पावर गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा ट्वाइस एफ वन, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस बीटा, गामा जेड, यही अपना राइट हैंड साइड था। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, तो ये थर्ड पार्ट जो है वो प्रूव हो गया। तो इसमें यही है कि लेफ्ट हैंड साइड को लोगे इसमें पहले और फिर इसमें ये पार्ट ए के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, फिर अल्फा और बीटा को सेकेंड स्टेप में इन दोनों को चेंज कर दो और फिर यहाँ पर वापस से इसको यूज करना है। उसके नेक्स्ट ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर एलसीएम लेना है, यहाँ एलसीएम लेना है, रिजल्ट अपना प्रूव हो जाएगा।